हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल मम्मीज़ गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए तो, इसको आप पहचानते हैं? हाँ, इसको तार कहते हैं। बंगाली में इसको ताल बोलते हैं। हम लोग बंगाली में, ए भादु का महीना चल रहा है, इस टाइम ये खाना ज़रूरी होता है और अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है। तो इसको हम आज लाए और थोड़ा सा इसको ऐसे करके छील के इसका पल्प सब निकालना पड़ता है। ये देखिए, हम सब पल्प इसका निकाल लिए, घिस घिस के इसका पल्प निकाल लेना पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका पल्प निकल रहा है। अब इस पल्प को हम क्या करेंगे बोलिए तो, चलिए आगे चल के बताते हैं। अब इस पल्प को हम थोड़ा सा इसके साथ चीनी मिक्स करके, शुगर हाँ मिक्स करके इसको उबालेंगे ताकि ये ख़राब ना हो, बहुत दिन तक रह जाए फ्रिज में। इसीलिए इसको थोड़ा सा उबल के हम रखें और थोड़ा सा महक भी कम होगा, नहीं तो बहुत महकता है। और इसके साथ थोड़ा सा हम मैदा, थोड़ा सा चावल का मैदा, थोड़ा सा सूजी को हम पानी में भिगो कर रख दिए थे 10 मिनट, ये सूजी और चीनी, थोड़ा सा नमक भी स्वाद अनुसार सब एक साथ मिक्स करके, हाँ और थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा नारियल का कूड़ा हुआ नारियल एक साथ में मिक्स करके इसको हम पकौड़ी जैसा बनाएंगे, जैसे पकौड़ा बनता है ऐसा पकौड़ा टाइप का बनाएंगे। अच्छा से मिक्स करके थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे और तेल गरम करके हम पकौड़ा टाइप का बनाएंगे। ये देखिए हम बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिए। ये देखिए, हम लोग बंगाली में इसे ताल फुरुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताल फुरुली। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। बंगाली फेमस है एक्चुअली ये, और बंगाली रेसिपी बंगाल का ही। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए ना फ्रेंड्स, कैसा लगता है।